हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू फाइल टैक्सेस इन कनाडा। मैं लास्ट ईयर सितंबर इनटेक में आया था और अब मेरा टैक्स फाइल करना है। फर्स्ट टाइम जब मैं टैक्स फाइल करने जा रहा हूँ तो आप सबको बताता हूँ कि टैक्स फाइल जब आप फर्स्ट टाइम आते हो कनाडा में तो कैसे फाइल करते हैं। मैंने बाहर एजेंट से बात करी थी तो वो चार्ज कर रहा था कोई समवेयर अराउंड $50 to $60। तो मैंने कहा बहुत ईजी है, जब आप फर्स्ट टाइम आते हो तो कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स तो होते नहीं है, और इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए टैक्स फाइल करने के लिए। अगर आपने काम किया है तो जहाँ भी आपने काम किया है या जहाँ जहाँ पर भी आपने काम किया, अगर तीन चार जगह किया है, तो सबसे आपने T4 डॉक्यूमेंट लेना। वो आपको डॉक्यूमेंट देंगे, उसका नाम होगा T4। और एक आपने जो कॉलेज से डॉक्यूमेंट आएगा, जो आपने फ़ीस भरी होगी, एक वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट कॉलेज वाले भेज देंगे, T2202 करके फॉर्म है, एक वो भेज देंगे। बस दो ही चीज़ें हैं मेरे को लगता है। इसके अलावा जो फर्स्ट न्यू कमर्स आते हैं उनके पास कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स तो होते नहीं है, तो फर्स्ट टाइम फाइल करना तो बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट टाइम अपने कैसे फाइल करना। आ जाओ फिर। अब टैक्स फाइल करने के लिए सबसे पहले आपने गूगल पे आना और यहाँ पे लिख देना सिंपल टैक्स, और ये सबसे पहली वेबसाइट दिखा रही है वेल्थ सिंपल की, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना तो ये वेबसाइट आपकी खुल जाएगी। यहाँ पे आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना। अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो यहाँ पे आप साइन अप कर लेना, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के साइन अप पे क्लिक कर लेना। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जिस भी ईयर की रिटर्न फाइल करनी है, अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो लेटेस्ट ईयर की रिटर्न फाइल करोगे। मैं यहाँ पे 22 की फाइल कर रहा हूँ, ठीक है। मैं लास्ट ईयर आया था अगस्त में, सितंबर इनटेक था मेरा, तो मैं लास्ट ईयर की फाइल कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने क्लिक करना, आपसे नाम पूछेगा, आपने यहाँ पे नाम फिल कर देना अपना और उस पर क्लिक कर देना। तो सबसे पहले आपके पास ये वाला कॉलम आएगा जी, यहाँ पे आपने नाम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम फिल कर देना। सिन नंबर यहाँ पे जैसे मैंने फिल किया हुआ है तो आप भी अपना सिन नंबर, तो जैसे यहाँ पे मैंने सिन नंबर फिल किया हुआ आप भी अपना सिन नंबर यहाँ पे फिल कर देना। डेट ऑफ बर्थ लैंग्वेज इंग्लिश कर देना और यहाँ पे आप कर देना नो, इज दिस रिटर्न फॉर डिसीज पर्सन, नो। ओके, तो अब ये जो कॉलम है नेट फाइल एक्सेस कोड, अब ये कोड जो लोग फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं जी उनके लिए तो यहाँ पे आपने ब्लैंक छोड़ देना। अगर जिन्होंने पहले भी फाइल करी हुई है तो उनके पास एक कोड होता है नेट फाइल एक्सेस कोड जो आपको CRA सेंड करता है, तो यहाँ पे आपने वो फिल कर देना। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। मेलिंग एड्रेस जहाँ रह रहे हो वहाँ घर का एड्रेस भर देना यहाँ पे जी, ठीक है। अब जिस भी प्रोविंस में रह रहे हो, अब मैं ओंटारियो में रह रहा हूँ तो ओंटारियो फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप चेंज कर रहे हो, नहीं चेंज कर रहे, ठीक है, ब्लैंक छोड़ दो यहाँ पे, और ये यहाँ पे यस कर देना। इज योर होम एड्रेस द सेम एज योर मेलिंग एड्रेस, यस। आप किस प्रोविंस में रह रहे हो, ओंटारियो में रह रहे हैं। डिड यू बिकेम अ रेजिडेंट ऑफ कैनेडा, नो। यहाँ पे मैरिड स्टेटस बताना, मैं मैरिड हूँ जैसे, तो मैरिड स्टेटस यहाँ पे आप, अगर आप सिंगल हो तो सिंगल कर देना, ठीक है। तो इस पर ये कुछ नहीं पूछेगा अगर आप सिंगल करोगे। उसके बाद आगे जी ये वाला, यहाँ पे सब पे नो नो, यहाँ पे नो, यहाँ पे नो और यहाँ पे यस कर देना। ये तो आपको ये पढ़ के पता लग जाएगा। डिड यू होल्ड एनी स्पेसिफिक फॉरेन प्रॉपर्टी विद द टोटल कॉस्ट अमाउंट ऑफ ऑल सच प्रॉपर्टीज एट एनी टाइम, ये भर देना भाई, नो कर देना। यहाँ पे कुछ नहीं है, $1,00,000 के ऊपर हमारे पास है नहीं कुछ। उसके बाद यहाँ कर देना, डिड यू डिस्पोज ऑफ योर प्रिंसिपल रेजिडेंस इन 22, नो। आर यू फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न विद द CRA फर्स्ट टाइम, अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो यस कर देना, अगर फर्स्ट टाइम नहीं फाइल कर रहे तो नो कर देना। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम फाइल कर रहा हूँ टैक्स, तो यहाँ पे मैंने यस कर दिया। उसके बाद है जी, आर यू अ कैनेडियन सिटीजन, नो। सिटीजन तो कहाँ ही है भाई, अभी स्टूडेंट आए हैं। आर यू अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन एक्ट, ये पता नहीं क्या है, पढ़ लेना यहाँ पे क्लिक करके, बट यहाँ पे मेरे को लगता है कि नो ही आएगा। तो उसके बाद वर यू कन्फाइंड फॉर प्रिजन, प्रिजन तो हमें नहीं हुई थी, ठीक है, यहाँ पे नो कर देना। और उसके बाद ये कर लेना क्लाइमेट एक्शन इंसेंटिव पेमेंट, ठीक है। अगर तो आप इन सबसे बाहर रह रहे हो, डू यू लिव आउटसाइड ऑफ वन ऑफ दीज सेंसेस मेट्रोपॉलिटन एरियाज, इन सबसे बाहर रह रहे हो तो यहाँ पे आप यस कर देना, ठीक है। अब मैं ब्रैम्पटन में रह रहा हूँ, ब्रैम्पटन यहाँ पे है नहीं, मुझे दिखाई नहीं दिया, तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया। अब नेक्स्ट आ गया ऑर्गन एंड टिश्यू डोनर रजिस्ट्री, अब यहाँ पे कंसेंट पे नो कर दिया। अब ये कर देना ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट, यहाँ पे यस कर देना, ये ट्रिलियम बेनिफिट होता है, यहाँ पे आप क्लिक करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे यस आएगा। ओंटारियो स्टेकेशन टैक्स क्रेडिट, अकोमोडेशन एक्सपेंस जो भी हम लाइक करते हैं, अकोमोडेशन के पैसे देते हैं, तो उसे भी आप क्लेम करना चाहते हो तो यहाँ पे यस कर दो, मैंने यस करा था, जो भी आप रेंट वगैरह दे रहे हो। आर यू रजिस्टर्ड फॉर CRA माई अकाउंट, नो।
पहले हम रजिस्टर्ड नहीं है, हम फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं, ना ही मैं रजिस्टर्ड था सीआरए के साथ, तो यहाँ पे मैंने नो कर दिया। ठीक है, तो आप चाहते हो कि आप साइन अप कर लो सीआरए के साथ, तब यहाँ पे यस करोगे तो नीचे अपना मेल आईडी, ईमेल आईडी जो आपकी है और नीचे कंफर्म कर देना उसके बाद। अब आगे जी मेन चीज़ आपकी, अब जिनका तो स्पाउस नहीं है कोई, तो उसको ये कॉलम नहीं दिखाएगा क्योंकि मैंने ऊपर मैरिड दिखाया है, तो यहाँ पे स्पाउस वाला ऑप्शन पूछ रहा है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना अपना T4 आपने फाइल करना है, जो अगर आपने काम किया है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, T4 पे यहाँ पे क्लिक कर देना, यहाँ पे T4 जैसे लिखोगे ना तो T4 आ जाएगा, ये वाला T4। तो T4 आपको सेम ऐसी शीट मिलेगी जो ये शीट है ना, ऐसी आपका एम्प्लॉयर एक शीट देगा, जैसे जैसे नंबर्स लिखे हैं जो वो देगा ना शीट, उस पर भी सेम लिखे होंगे, आपने बिल्कुल बस देख देख के लिख देना है। जैसे आप एम्प्लॉयर का नेम वहाँ पे मेंशन होगा जो आपको एम्प्लॉयर देगा, फिर 10 नंबर पे उसने क्या लिखा, ओंटारियो लिखा, आप ओंटारियो लिख दोगे। 14 नंबर पे जो इनकम लिखी है आपने, सेम एज इट इज लिखते जाना जैसे जैसे उसने लिखी है, और जहां जहां नहीं लिखा उसे आपने ब्लैंक छोड़ देना। अगर आपने एक जगह काम किया है, जैसे मैंने पिनकल के साथ काम किया है, तो मैं पिनकल का सिर्फ भर रहा हूँ और मैंने कहीं काम नहीं किया। अगर आपने कहीं और भी काम किया है तो यहाँ पे एड T4 कर देना, और आपका T4 एड होते जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, जितने भी आपने करे हैं काम सभी की सेम होगी भाई, जो भी आपको एम्प्लॉयर देगा सेम नंबर, बस ऐसे नंबर होंगे। उसके पेज पर भी मैं आपको फोटो यहाँ पे साइड पे दिखा देता हूँ, जैसे ये नंबर लिखे हैं ये सारे नंबर्स आपने सेम एज इट इज भर देने हैं। अब आ गई जी ट्यूशन। अब उसके बाद आपको कॉलेज से भी मिलेगा एक फॉर्म, ठीक है, जिसका नाम होगा T2202, ट्यूशन एंड एजुकेशन अमाउंट्स। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाला एक फॉर्म दिखाएगा, ट्यूशन एंड एजुकेशन अमाउंट। वर यू अ पोस्ट सेकेंडरी स्टूडेंट इन 2022, यस। ठीक है, और उसके बाद टाइप ऑफ स्लिप, यहाँ पे जो स्लिप मिली है आपको T2202 मिली है। आपका प्रोग्राम कौन सा है, यहाँ पे प्रोग्राम का नेम लिख देना, वो भी जो कॉलेज से आपके स्लिप मिली है ना सेम, उस पर भी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, नेम ऑफ द प्रोग्राम जो वहाँ पे मैंशन किया आपने भी सेम मैंशन कर देना, जितनी ट्यूशन फीस उन्होंने लिखी है T2202 फॉर्म पे उतनी आपने यहाँ पे लिख देनी है, नंबर ऑफ पार्ट टाइम है फुल टाइम ये दोनों मिला के लिखी होती है। इसके बाद अगर कोई और स्लिप भी है तो ऐड कर लो, अगर नहीं है एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हो तो बस एज इट इज इसको यहाँ पे छोड़ दो। डू यू हैव डिसेबिलिटी, नो। बस यहाँ पे वर यू पोस्ट कैंडी स्टूडेंट रिसेंट इन अर्लियर ईयर, नो। ठीक है, यहाँ पे कुछ भरने की जरूरत नहीं है। कनेडा ट्रेनिंग क्रेडिट है, पता नहीं क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा लेकिन। ठीक है, अब आपका जी नीचे ये शीट बन के तैयार हो जाएगी रिफंड वाली। अब जैसे मेरा रिफंड दिखा रहा है जी 926.25 सेंट डॉलर्स, इतने दिखा रहा है, इतना मुझे रिफंड आएगा। अब जीएसटी एचएसटी जो मैंने भरा है ये क्वार्टरली आएगा मेरे को $153 हर क्वार्टर के बाद, हर 3 महीने के बाद मुझे पैसे आएंगे। उसके बाद क्लाइमेट एक्शन जो हमने ऊपर किया था $201 आएगा आपको जी हर क्वार्टर में। उसके ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट मंथली आएगा ये 57.50। ठीक है, तो ये मेरा टोटल हो गया। इस साइड पे आपको दिखाता भी जाएगा, ये आपके लेफ्ट साइड पे ना जैसे मैं दिखा रहा है फेडरल रिफंड $926, ये एक बार में आ जाएंगे, और ये सारे मंथली या क्वार्टरली आपको आएंगे। जैसे ये मंथली लिखा है तो इतनी अमाउंट मंथली आएगी, ये क्वार्टरली लिखा है तो क्वार्टरली, और ऊपर वाली भी क्वार्टरली। बस इसके बाद आपने जी रिव्यू कर लेना एक बार, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिखा देगा कि जो जो आपको चेंजेस करनी है। जैसे वार्निंग दिखा रहे हैं यहाँ पे, आप कह रहे हैं कि अगर आपका कोई नेट फाइल एक्सेस कोड है तो भर दो, जैसे यहाँ पे मैंने नो किया, तो बस यहाँ पे रेडी टू सबमिट, और उसके बाद आप सबमिट कर दो जी। बहुत ही सिंपल है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं ना उनके लिए तो बहुत इजी है जी फाइल करना। जैसे आप सबमिट करोगे सबमिट हो जाएगी जी। ठीक है, एक बार इसकी सेव PDF कर लेना, इसको PDF में भी आपको ये सेव करके दिखा देगा, पूरी आपके पास कॉपी आ जाएगी टेक्स्ट की, और इसमें आपको कुछ नहीं करना। अब मैं यहाँ पे लॉग आउट कर रहा हूँ जी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर मुझे अभी डायरेक्ट इंस्टा पे DM भी कर सकते हो। मिलते हैं कोई नई नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।